आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को कितनी बार फीड कराना चाहिए। सो जैसे कि मैं अपनी बात करूं, तो मुझे पहले जब डिलीवरी हुई तभी जो नर्सेस थे उन्होंने कहा कि हर 2 घंटे में बच्चे को फीड करना है। अब भार्गव सो जाता था, अगर हम उसको टिकल करते थे, इवन फ्लिकिंग करके उठाने की कोशिश करते थे, तो वो बिल्कुल भी नहीं उठता था। तो हमने ये पॉइंट हमारे पीडियाट्रिशियन से डिस्कस की, तो पीडियाट्रिशियन ने कहा कि कुछ बच्चे हर 2 घंटे में उठ जाते हैं एंड हम उनको फीड कर सकते हैं, बट कुछ बच्चे अगर नहीं उठते हैं तो हमें डिमांड फीडिंग करना चाहिए। अब डिमांड फीडिंग के फायदे हैं, आपको नाइट में अलार्म लगा के उठने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को फीड करने के लिए। बच्चा जब रोए या कॉल दे, बच्चे यूजुअली न्यू बॉर्न बेबीज जब जागते हैं तब वो आपको आवाज़ देते हैं। ये आवाज़ किस तरीके की होती है, तो सबसे पहले वो एक बार आपको बुलाएंगे कि मुझे भूख लगी है। उसके बाद लगभग 10 से 20 सेकेंड का गैप होगा, उसके बाद वो फिर से एक रोने जैसा आवाज़ करेंगे, फिर 10 से 20 सेकेंड का गैप होगा, फिर वो रोना चालू करते हैं। तो ये क्यों है कि मुझे भूख लगी है, बच्चा आपको बोल रहा है कि मुझे भूख लगी है, आप प्लीज़ प्रिपेयर करें और मुझे फीड करें। तो 3 कॉल्स देता है बच्चा, 3 कॉल्स देने पे भी अगर आप इशारा नहीं समझते हैं तो बच्चा अनकंसोलेबली रोता है। तो एज मदर्स एंड फादर्स हमें ये पॉइंट नोट करना है एंड बेबी को फीड करना है। तो अगर भार्गव की मैं बात करूं, तो फर्स्ट मंथ में भार्गव ऑलमोस्ट 4 आवर्स के गैप में फीड लेता था। यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने ये पॉइंट बहुत ज़रूरी बोली थी कि आप नोट करें कि बच्चे के होंठ सूख ना रहे हों। अगर बच्चे का होंठ सूख रहा है मीन्स बेबी इज़ गेटिंग डिहाइड्रेटेड, तो आपको आपका नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस करने की ज़रूरत है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका बेबी के होंठ सूख नहीं रहे हैं तो ये नोट करें कि बेबी कितनी बार यूरिनेट कर रहा है। बेबी का सुसु काउंट करना ज़रूरी है, अंदाज से, नॉट नेसेसरी कि आप हर एक सुसु काउंट करें, तो कम से कम बच्चे के 7 से लेके 12 सुसु दिन में होनी चाहिए, न्यू बॉर्न बेबी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। सो मैंने किस तरीके से फीड किया, मैंने भार्गव को डिमांड फीड दिया जिसमें प्योरली वो 4 आवर्स में फीड लेता था। कभी कभार वो बहुत ज़्यादा लंबा सो जाता था तो मैं कोशिश करके उसको नींद में ही फीड कराती थी, बट 3 to 4 आवर्स के गैप में फीड देना ज़रूरी है। अगर आपका बेबी एवरी 2 आवर्स लेता है तो नथिंग लाइक इट, योर बेबी विल नॉट गेट डिहाइड्रेटेड, बट अगर बेबी बिल्कुल नहीं उठ रहा है तो 4 आवर्स के गैप में पक्का फीड करें या डिमांड फीड करें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।